एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो वी आर हैविंग टू रेड ब्यूटीज विद अस और बहुत ही खतरनाक, दोनों के सेगमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दिस इज अ सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल फ्रॉम ट्रैम्प और इनलाइन 3। आपको पता है ट्रैम्प वर्ल्ड क्लास इनलाइन 3 इंजन बनाते हैं। बेनेली ऑन द अदर हैंड इज वेरी अफोर्डेबल। अगर आपको इनलाइन 4 चाहिए, सबसे सस्ते इनलाइन 4 चाहिए, तो आप डेफिनेटली बेनेली की तरफ जा सकते हो। दिस इज वेरी सीरियस मशीन, वेरी सीरियस अबाउट परफॉर्मेंस, अबाउट लुक्स, अबाउट सीटिंग पोस्चर। दोनों ही डिसकंटिन्यू हो चुकी है और ये आज लाइफ में फर्स्ट टाइम चला के भाई दिल बाहर आ गया। क्या भाग रही है भाई, मतलब जबरदस्त है, मजा ही आ गया एकदम चला के इसको। एकदम रॉ है, कंप्लीटली रॉ है, आपको पूरा खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। आई गेस ट्रैक्शन भी नहीं है, मोड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसी ही बाइक्स मुझे पसंद है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करें उनको पता है मुझे ऐसी बाइक्स बहुत ज्यादा पसंद है। और बेनेली की अगर बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है 84 BHP, ये प्रोड्यूस करती है 114-116 समथिंग, है ना, 116 मान लो, 116 BHP। और अगर टॉर्क की बात करें तो 70 Nm का टॉर्क है इसमें। आई गेस 54-60 ऐसे Nm का टॉर्क है। मुझे एग्जैक्टली यार स्पेक्स देखो, स्पेक्स से ना मैं बाइक को जज करता हूँ ना स्पेक्स हम देखते हैं इतना ज़्यादा, हम ट्रस्ट करते हैं बाइक को चला के देखने में। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैं पहले से ही बता दूँ कि इसकी ब्रेक्स बहुत बेटर होने वाली है, निसन के कैलिपर्स मिलते हैं। और इसमें अगर बात करें तो इसमें बेनेली के खुद के कैलिपर्स मिलते हैं जो कि थोड़े ट्रेन जैसे लग रहे हैं, बट ठीक है। और चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बाय द वे आवाज़, साउंड टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेनेली का साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, बेनेली इज़ नोन फॉर साउंड। ओ लाउड एस, बहुत डीप साउंड आता है ना इसमें, लगता है कि बहुत दूर से आवाज आ रही है, बहुत बेस है, बहुत बड़ा इंजन साउंड करती है ये। अब इसकी बारी भाई, वेरी लाउड। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि हाँ, नहीं नहीं वो तो छोड़ो, इसको जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो जो मेरी MV अगुस्ता थी F3, उसमें ट्रैम का ही इंजन होता है इनलाइन 3, उसको और ज़्यादा और ट्यून कर देते हैं। तो इसमें वही वाली फील आ रही है मुझे, इंजन से वही वाइब मिल रही है सेम। बाप रे, हाँ रोड हिल रही है भाई। तो चलो अभी इन दोनों का हम वीडियो लाएं। आप लोग डेफिनेटली कुछ भी ट्राई मत करना, हम यही रिकमेंड करते हैं कि सिटी में कभी भी तेज़ मत भगाओ। और ये सारी बाइक्स होती हैं ऐसी खुली रोड्स के लिए, खुले हाईवेज़ के लिए, जहाँ पे आप भी सेफ़ रहते हो, दूसरे भी सेफ़ रहते हैं। और इस वाली रोड पर देख रहे हो गाड़ी भी नहीं चलती है, एकदम ऑलमोस्ट बंद रहती है ऐसे कह सकते हो, इतनी खाली रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इन 3, 2, 1। एंड एक चीज़ और, हेलमेट पहनो, सारे राइडिंग गियर्स पहनो। वैसे तो ऑनेस्टली बताएं तो पावर में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, वेट भी उसका ज़्यादा है, पावर भी उसकी कम है, टॉर्क भी इसका ज़्यादा है उसका कम है, बट ठीक है देखते हैं, अपने पास है तो कर लेते हैं, करने में क्या जा रहा है। इट इज़ जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट मैन, कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। क्या वाइब है भाई, मान गए इसको, मजे दिला दिए पूरे इसने, जबरदस्त है बॉस, बहुत ही जबरदस्त, एकदम खतरनाक। थर्ड गियर में 200 कर रही है भाई, 200 प्लस थर्ड गियर मैन, कैन यू बिलीव इट मैन, थर्ड गियर, मजा ही आ गया भाई, बहुत खूनखार है भाई, बहुत खूनखार। तो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो मेरी फेवरेट ड्रीम बाइक्स थी उन सब की परफॉर्मेंस भी ड्रीम लेवल की थी, समझ रहे हो। S1000 थी तो S1000 ऐसा नहीं था कि यार बस मैं, क्योंकि मुझे तो उसके सिर्फ लुक्स के बारे में पता था, मैं उनका ही फ़ैन था, बट जिस तरह से वो भागती है वो तो खैर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेम गोज़ विद डेटोना, डेटोना भी बिल्कुल भी कम नहीं निकली भाई, एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा बेटर भाग रही है। हेड स्टार्ट, ये देखो
जागीर मैं जाऊं। अच्छा लीड दी जा रही है भाई, बेचत क्या जा रहे हैं हम। वो देखो भाई इसको खाना उसके मजाक है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। डेट होना तो खिलवाड़ कर रही है भाई, बेनेली की इज्जत उछाल रही है ये तो। जाओ 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 जाओ। अबे भाई साहब क्रेजी शिट मैन, क्रेजी मजा ही आ गया भाई। सुबह व्हाट अ मोटरसाइकिल, व्हाट अ इमोशन। जाओ आने दो, आने दे आने दे। पोटेंशियल नहीं है, बेनेली अपनी लिमिट्स तक पहुंच गई इस बार। भाई क्या बाइक लिया है यार, मजा आ गया। क्या जबरदस्त बाइक लिया है यार, बाइक हो तो ऐसी हो वरना ना हो, क्या चीज है भाई, दिल खुश कर दिया एकदम भाई। मैं तो कहूंगा भाई अगर आप इसको कभी भी निकालना है जो इसके ओनर है उनसे बोल रहा हूँ। एक्चुअली अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड की बाइक है ये, तो मेरे को जरूर बता देना भाई क्या ही है भाई है। कोई कंपैरिजन नहीं भाई, ओवरकिल है। हाँ हेलो, अपने भाई लोग कमेंट करेंगे कुछ इसके लेवल का लाओ यार, जी को लाओ, जी देख रहे हैं तो टक्कर लेगी ना, तो मुझे तो नहीं लगता जी को पीछे होना चाहिए। मुझे तो लगता है जी जीत जाएगी। हाँ हाँ देख सकते हैं, कंपैरिजन करके देख सकते हैं क्योंकि उसमें इनिशियलपन ज्यादा है ना। बाकी अगर आपको जी के साथ देखना है तो भर भर के लाइक्स करो और कमेंट करो। चलो खिलवाड़ करो मेरे साथ। पावर अभी से मुझे फील हो रही है। सुनो यार देखो प्राइस में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। डेट होना आती थी 10-11 लाख और जब मुझे लगता है जब बंद हुई है तो ऑलमोस्ट 11.5 लाख 12 लाख समथिंग पहुंच गई थी डेट होना। और ये बहुत ही अफोर्डेबल बाइक है यार, तो प्राइस के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस देखें तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मोटरसाइकिल मैन, नॉट बैड एट ऑल। बट वो बहुत सीरियस है भाई, दैट इज अ सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल और वो अपना काम करना बखूबी जानती है। उसको पता है उसको किस लिए लिया गया है, भागने के लिए लिया गया है, वो भागेगी, दैट्स इट। तो चलो आई होप आपको यार वीडियो अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय गाइस, एंजॉय।